ये है दिल्ली दर्पण। गर्मियां आने वाली हैं, लिहाजा बिजली की खपत भी बढ़ने वाली है और बिजली विभाग पर बिजली का मांग का असर भी पड़ने वाला है। ऐसे में दिल्ली वासियों को एक खबर भी परेशान कर सकती है कि इस साल बिजली के साथ साथ गर्मी की मार भी पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने मई और जून में दिल्ली के तापमान में बढ़ोतरी की बात कही है। ऐसे में बिजली की डिमांड इस साल पहले से ज्यादा होने के भी आसार हैं। ऐसे में NDPL ने आने वाली बिजली की डिमांड को पूरा करने और लोगों को बिजली की किल्लत से बचाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं। हमने ये जाना कि टाटा पावर DDL ने क्या कुछ कदम उठाए हैं। हमारी टीम ने बात की टाटा पावर DDL के CEO संजय बांगा से और जाने कई सवालों के जवाब। गर्मियों में होने वाली पावर डिमांड के लिए कैसी हैं तैयारियां? देखिए, हमारी जो पिछले साल समर में मैक्सिमम डिमांड गई थी वो गई थी करीब 1960 मेगावाट। इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 2150 मेगावाट जाएगी और दिल्ली की जो टोटल डिमांड पिछली बार 7000 मेगावाट थी, ये करीब 7400 मेगावाट तक जाएगी। समर से पहले नॉर्मली हम सारे इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस कर लेते हैं, जो कि हमारा अब कंप्लीट हो गया है। व्हीकल्स रहते हैं हमारे, जो कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसमें टीम जाती है और उसको अटेंड कर लेती है। तो हमारे करीब 46 जोन्स हैं और 510 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो आप देखें तो ऑलमोस्ट 2x2 किलोमीटर में एक टीम रहती है जो हर प्रॉब्लम को आएगी तो उसको अटेंड कर लेगी। कॉल सेंटर में हम थोड़े एग्जीक्यूटिव्स बढ़ा देते हैं क्योंकि समर में जो है वो कॉल्स ज़्यादा आती हैं थोड़ी। पावर अरेंजमेंट एक मेन इशू है कि आपके पास पावर अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब कंसिडरिंग कि 2150 मेगावाट का पीक डिमांड आएगा, हमने करीब 2400-2500 मेगावाट तक का अरेंजमेंट किया हुआ है, तो मुझे लगता नहीं है कि समर में कोई इशू आना चाहिए। हालांकि इस बार जो वेदर फोरकास्ट है वो ये है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे थोड़ा 1 डिग्री ज़्यादा ही आ सकता है, तो हीट वेव रहेगी। उसी हिसाब से हमने ये फोरकास्ट भी किया है कि 2150 मेगावाट तक जाएगा। कैसा है पावर अरेंजमेंट? पावर अरेंजमेंट एक मेन इशू है कि आपके पास पावर अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब कंसिडरिंग कि 2150 मेगावाट का पीक डिमांड आएगा, हमने करीब 2400-2500 मेगावाट तक का अरेंजमेंट किया हुआ है, तो मुझे लगता नहीं है कि समर में कोई इशू आना चाहिए। हालांकि इस बार जो वेदर फोरकास्ट है वो ये है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे थोड़ा 1 डिग्री ज़्यादा ही आ सकता है, तो हीट वेव रहेगी। उसी हिसाब से हमने ये फोरकास्ट भी किया है कि 2150 मेगावाट तक जाएगा। भारत में लगा पहला पावर ग्रिड, कैसे करेगा काम? जहाँ लोड ग्रोथ ज़्यादा होती है, मेनली ये लोड ग्रोथ हो रही है आउटर एरिया में, बवाना में, बुराड़ी में काफ़ी लोड ग्रोथ हो रही है, तो पिछले साल हमने करीब 4 सब स्टेशन जो है 50 MVA के ईच बोलते हैं उन्हें, एक सब स्टेशन, वो हमने 4 सब स्टेशन लगाए हैं। कुछ ट्रांसफार्मर जो है जिनकी लोडिंग पिछली बार हमने देखा था एक लिमिट से ज़्यादा हो गई है, उनको हटा के ज़्यादा कैपेसिटी के करीब 12 ट्रांसफार्मर भी लगा दिए। हमारी टोटल कैपेसिटी आज की डेट में जो है वो करीब 4500 मेगावाट की है और जो पीक डिमांड है यदि हम देखें 2200 मेगावाट, 2150 मेगावाट आती है, तो इक्विपमेंट में इतनी क्षमता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंडस्ट्रियल एरिया में कैसे होगा पावर का पूरा अरेंजमेंट? इसीलिए बवाना जैसे एक इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे एक और हमने ग्रिड लगा दिया है, तो कभी भी किसी ग्रिड में यदि 70% से ज़्यादा लोडिंग बढ़ती है तो एक नया ग्रिड स्टेशन लगा देते हैं कि जो भी आने वाली डिमांड है उसको वो नया ग्रिड स्टेशन कैटर करेगा। तो इस साल जो है बवाना में एक और ग्रिड स्टेशन लगाया है जो इंडस्ट्रियल एरिया को कैटर करेगा। क्या डिमांड बढ़ने पर बिजली के बिल पर भी पड़ेगा फर्क? जो पावर है वो मेनली लॉन्ग टर्म पावर एग्रीमेंट है जो हमारे NTPC, NHPC और दिल्ली जनरेशन कंपनी के साथ हैं, और इनका जो प्राइस है वो प्राइस जो है DRC और CRC डिसाइड करता है और ये पावर कॉस्ट सेम ही रहती है। यदि मैंने फोरकास्ट सही नहीं किया है और मेरे को मार्केट से ज़्यादा पावर खरीदनी पड़ रही है तब उस पावर की कॉस्ट पड़ जाती है। मुझे लगता नहीं कि हमको मार्केट से पावर खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। विंटर में हमने कुछ पावर जो थी वो एक्सपोर्ट की थी, मेनली हिमाचल प्रदेश था या MP था या आंध्र प्रदेश था, तो मेरे को करीब 400 मेगावाट का जो पावर है वो समर में रिटर्न में मिलेगा, तो 2500 मेगावाट का पावर अवेलेबल रहेगा और डिमांड 2150 मेगावाट रहेगी, तो मेरे को मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिजली के शॉर्टेज के क्या हैं मुख्य कारण? शॉर्ट टर्म में शॉर्टेज हो जाती है, जैसे कोई जनरेशन प्लांट जिससे आपने टाई अप किया है वो जनरेशन प्लांट ट्रिप हो गया, उस टाइम आपके पास पावर नहीं है,
वो आपने पावर मैनेज करनी होती है, उस पावर को मैनेज करने में कई बार थोड़ा सा टाइम लग जाता है, या कोई ऐसा जनरेशन चला गया कि वो 3-4 दिन तक नहीं आएगा, तो आपको अगले दिन की पावर फिर मार्केट से खरीदनी पड़ती है, जो थोड़ी हाई कॉस्ट पे आपको कई बार, उम्मीद कर रहा हूँ कि समर में कॉस्ट ज़्यादा होगी तो हाई कॉस्ट पे लेनी पड़ेगी आपको, पर उसका इम्पैक्ट जो है कस्टमर पे, क्योंकि वो हार्डली 1-2% होती है, कस्टमर पे उसका इम्पैक्ट नहीं आता है। कैसे कर सकते हैं बिजली के बिल को कम? देखिए, एक तो आप एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस यूज़ कीजिए, जितने लैंप वगैरह हैं सब LED लैंप यूज़ कीजिएगा। जो एयर कंडीशनर हैं वो ट्राई कीजिए कि 5-star एयर कंडीशनर ही खरीदें, क्योंकि उसकी जो कंजम्पशन है वो ऑलमोस्ट 50% रहती है नॉर्मल एयर कंडीशनर से। तीसरा, यदि आप एयर कंडीशनर का टेम्परेचर 26 पे चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है, कुछ लोग 24-23 तक करते हैं तो एयर कंडीशनर ज़्यादा टाइम लेता है, और दिल्ली का जो पीक डिमांड है वो मेनली एयर कंडीशनिंग लोड की वजह से ही है। तो आप एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस चलाते हैं, एयर कंडीशनिंग का जो टेम्परेचर सेट 26-27 पे करके रखते हैं, उससे काफ़ी सेविंग हो सकती है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर